महायुद्ध के बीच इसराइल के रक्षा मंत्री का दावा, हमास के चीफ को आईडीएफ ने घेरा, जान बचाकर बंकर में छिपाए यदा सिनवार। इसराइल के हमले से दहला लेबनान, दक्षिण लेबनान में एक के बाद एक कई हमले, हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा। महायुद्ध के एक महीने बाद नेतन्याहू ने हमास को फिर जड़ से खत्म करने की दी है धमकी, का बंधकों की रिहाई तक सीज फायर पर नहीं होगी कोई बात, नेतन्याहू के ऐलान के बाद हमास पर ताबड़तोड़ हमले। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार, दमोह मुरैना और गुना में पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। बिहार की जातिगत गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश, सीएम नीतीश कुमार ने पेश किया आरक्षण का दायरा, 65% करने का प्रस्ताव, ईडब्ल्यूएस को 10% के साथ कुल 75% आरक्षण का प्रस्ताव। प्रतिशत कर दिया जाए 50 की जगह पर, आज 10%, सुनिए ना, आज 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75 तो बचेगा 25। महिलाओं पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर भड़की बीजेपी, सम्राट चौधरी ने बयान को बताया शर्मनाक, महिला विधायकों ने जताई आपत्ति, राष्ट्रीय महिला आयोग ने नीतीश से की माफी की मांग। बिहार की 6.5 करोड़ महिलाएं शर्मसार हो गई, बिहार में मां और बहन नीतीश कुमार की सभा में जाने से भागेंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज, दुनिया भर से आने वाले मेहमानों, साधु संतों और आम लोगों के रुकने के लिए बनाई जाएगी विशाल टेंट सिटी, आधुनिक सुविधाओं से भरा होगा हर टेंट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंजाब सरकार से कहा पराली जलाने पर लगे रोक, दिल्ली में स्मॉग टावर बंद होने पर जताई नाराजगी, नोएडा और गाजियाबाद में 10 नवंबर तक 9वीं तक के स्कूल बंद। वर्ल्ड कप में रोमांचक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेट से हराया, ग्लेन मैक्सवेल ने 128 गेंद पर बनाए 201 रन। गोल्ड के तक एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाया, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे गुजरकर आम लोग सुरक्षित जगह पर जा सकते हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने बयान दिया कि उत्तरी गाजा में वो हमास का सफाया कर रही है और दक्षिण में घायलों की मदद, मतलब इजरायल ने हमास के खात्मे के चक्कर में गाजा के 2 हिस्से कर डाले, या यूं कहें कि हमास के अंत के चक्कर में एक बार फिर फिलिस्तीन का नक्शा बदलने की तैयारी कर दी, क्योंकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के पहले ही दिन से इजराइल आम लोगों को दक्षिणी गाजा भेजने की बात कह रहा है, और अगर सच में गाजा के 2 टुकड़े हो गए तो 5वीं बार फिलिस्तीन का नक्शा बदलेगा, क्योंकि 1917, 1948, 1967 और 1993 में फिलिस्तीन का नक्शा बदल चुका है, और हमास के अंत के चक्कर में एक बार फिर फिलिस्तीन पर यही खतरा मंडराने लगा, क्योंकि गाजा पट्टी वो ज